हाय एवरीवन, इस वीडियो में हम साउंड क्लाउड के विजिट को समझेंगे और देखेंगे कि कैसे हम साउंड क्लाउड की वेबसाइट से साउंड क्लाउड को लेकर अपनी वेबसाइट में यूज़ कर सकते हैं और कैसे हम इसको यहाँ से साउंड को डिस्प्ले करवा सकते हैं डिफरेंट टाइप में, विजुअली और अनविजुअली, ऐसे इसको थंबनेल के साथ, और कैसे हम कोई जो साउंड है उसकी प्लेलिस्ट को कैसे डिस्प्ले करवा सकते हैं, ये सारे हम यहाँ इस वीडियो में समझेंगे। आ जाते हैं अपने एलिमेंटर के डैशबोर्ड में। डैशबोर्ड में आने के बाद सिंपल पहले हम इस साउंड क्लाउड के विजिट के बेसिक ऑप्शन को समझते हैं कि कैसे ये ड्रैग, इसकी बेसिक सेटिंग कैसे कौन कौन सी है, और उसके बाद हम इसको देखेंगे कि कैसे हम इनको ऐसे डिस्प्ले करवा सकते हैं अपनी वेबसाइट में। तो हम यहाँ पे पहले ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेते हैं, और सबसे पहले जो हमें जो लिंक दिया हुआ है वो हमें लिंक डालने का ऑप्शन दिया है कि हम आ जाएंगे अपनी एक्सटर्नल वेबसाइट साउंड क्लाउड में। साउंड क्लाउड में आकर जो भी हम साउंड लेना चाहते हैं सॉन्ग, तो हम यहाँ सिंपल क्या करेंगे, इसको क्लिक करेंगे थ्री डॉट्स पर और यहाँ पे कॉपी लिंक कर लेंगे। कॉपी लिंक करने के बाद हम आ जाएंगे अपने डैशबोर्ड में और यहाँ इस लिंक पर पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद हमें अगला ऑप्शन जो दिया जाता है वो विजुअली प्लेयर का है कि हम विजुअली प्लेयर करना चाहते हैं, यानी कि अभी ऐसे प्ले हो रहा है, और अगर हम इसके साथ इमेज के साथ इसे प्ले करना चाहते हैं कि यानी कि थंबनेल की तरह इमेज भी शो हो, तो हम यहाँ से यस करेंगे तो हमें कुछ ऐसे शो हो गया। और उसके बाद ऑटो प्ले खुद ब खुद प्ले होने लग जाए तो हम यहाँ से यस कर देंगे। जैसे ही कोई आकर हमारी साउंड पे आए, हमारी वेबसाइट पे आए, तो ये खुद ब खुद प्ले होने लग जाए तो हम यहाँ से शो ऑन कर देंगे। और उसके बाद बाय बटन, यहाँ पर जैसे आपको ये नज़र आ रहा है, ये बटन डिफरेंट बटन आपको शो हो जाते हैं यहाँ पर, कि यहाँ से हम बाय बटन और लिंक बटन और डाउनलोड बटन, ये शेयर बटन, और यहाँ पे जिनमें ये डाउनलोड बटन, ये कुछ कुछ साउंड ऐसे हैं उनमें उन्होंने ये बटन दिए होते हैं, तो यहाँ पे ये डिस्प्ले होने लग जाते हैं। जिस साउंड के अंदर नहीं दिया होता तो वहाँ से हमें डाउनलोड का बटन शो नहीं होता। ये वाले जैसे कि इसमें डाउनलोड का बटन हमें दिया हुआ है, हम ये डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन इस वाले साउंड में उन्होंने पीछे से ही बंद किया हुआ है, तो हम यहाँ से इसको डिस्प्ले नहीं करवा सकते। और उसके बाद कमेंट का और प्ले काउंट का, कि कितनी बार प्ले हो, इसको सारों को हम यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं खुद से। और कंट्रोल के कलर, इस ये वाला जो कंट्रोल है, इनके कलर को अगर हम चेंज करना चाहते हैं तो हम यहाँ से कलर को चेंज कर सकते हैं। और उसके बाद हमें साउंड क्लाउड के इतने ही ऑप्शन दिए जाते हैं। और अब हम देखते हैं साउंड क्लाउड में हम ये कैसे डिफरेंट वे में इसको डिस्प्ले करवा सकते हैं। इसमें सबसे पहले हम यहाँ पे सिंपल साउंड क्लाउड को पेस्ट करेंगे, और साउंड क्लाउड में यह सिंपल ये है विजुअल प्लेयर नो, के इसमें विजुअली नहीं अपेयर किया गया इसे, और यहाँ पर जो यूज़ किए हुए साउंड क्लाउड इसमें विजुअल इसे अपेयर किया हुआ है, जो सिंपल है। उसके बाद यहाँ पे भी इसे इसके विजुअल पर लेयर नो किया हुआ है, और उसके बाद ये वाले ऐसे ड्रैगन ये प्लेलिस्ट की तरह कैसे शो हुए हैं, यहाँ पर हम जब आएँ साउंड क्लाउड में और ये एक्सप्लोर ट्रेंडिंग प्लेलिस्ट, जब हम प्लेलिस्ट को क्लिक करेंगे और यहाँ से कोई भी प्लेलिस्ट को यहाँ से कॉपी करेंगे, तो हमें कॉपी लिंक करेंगे तो हमें वहाँ पर ऐसे ही प्लेलिस्ट के तौर पर ही शो होने लग जाएंगे। जैसे अब इधर हम आएँ और सिंपल जैसे उन्होंने प्लेलिस्ट का अगर हम लिंक डालेंगे तो ये हमें प्लेलिस्ट की तरह दिखाई देगा, और अगर हम वैसे साउंड की तरह लिंक डालेंगे तो हमें वैसे दिखाई देगा, एक सिंगल साउंड दिखाई देगा, और अगर हम प्लेलिस्ट डालेंगे तो प्लेलिस्ट शो होगी। इसी तरह हम सिर्फ और सिर्फ साउंड क्लाउड से ही ये सॉन्ग ले सकते हैं, किसी और वेबसाइट से नहीं ले सकते, क्योंकि उन्होंने हमें साउंड क्लाउड का ही ऑप्शन दिया हुआ है, किसी और वेबसाइट से म्यूज़िक का ऑप्शन हमें नहीं दिया हुआ। उम्मीद है कि आपको इस वीडियो की समझ आई होगी।